हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 255 को। इसके साथ ही मैंने कल न्यू सीरीज के एपिसोड्स भी एक्सप्लेन किए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे की हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावे ने प्रोटेक्ट रूवू को कैप्चर कर लिया। इसके साथ ही लिटफेरिड और बाकी सभी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आज को आइस रिवर वैली का हेड विंग ही, जिसके पास आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी थी, जिसे जान करने के साथ ही वो सभी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही जैसे उसने सावन पे अटैक किया था, उस समय वहाँ पर आ चुकी थी यूनर। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में कई सारे फिगर यूनर के बाजू में खड़े थे, लेकिन इन सभी से ज्यादा ताकतवर दो फिगर थे जो कि यूनर के ठीक बाजू में खड़े हुए थे। इसके साथ ही वो यूनर से कहते हैं, प्रिंसेस अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इन सभी को मार दें। इस बात को सुनने के साथ ही यूनर आइस रिवर वैली के हेड की तरफ देखने लग गई थी। इसके साथ ही वो उससे कहती है, मैं तुम्हें एक मिनट का वक्त देती हूँ, तुम यहाँ से निकल लो, क्योंकि अगर तुम एक मिनट के अंदर अंदर अपने साथी के साथ यहाँ से नहीं निकले तो मैं इस सेंट्रल प्लेन से तुम्हारी और तुम्हारी आइस रिवर वैली का नामो निशान मिटा दूंगी। सीन सी प्रोग्राम में एक फिगर को देखते हैं जो की अभी के समय बहुत ज्यादा हैरान था। ये और कोई नहीं बल्कि सावन होता है। सावन अचानक से यूनर को आता देख हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है, यूनर। ये कहते हुए वो काफी एक्साइटेड हो गया था। अभी वो उसे ये भी पता नहीं होता कि आसपास फाइट भी चल रही है। सावन सब चीज को इग्नोर करने के साथ ही यूनर के पास आ गया था। जब ये चीज एल्डर फिगर देखते तो उसे भी काफी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही उसे सावन पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो देखते है की यूनर कुछ भी नहीं कह रही तो वो दोनों भी शांत होते हैं। इधर यूनर सावन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें किसने घायल किया, क्योंकि तुम्हारे मुंह के साइड से ब्लडिंग हो रही है। यूनर के सवाल को सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके सवाल का जवाब देते हुए उसे बताता है कि जिसने मेरी ऐसी हालत की थी, मैंने उसका 100 गुना पे कर दिया है उसे। ये कहने के साथ ही वो एल्डर सैंग की तरफ पॉइंट आउट करता है, जो की अभी के समय अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। उसकी तरफ एक नजर देखने के बाद उसकी नजर वापस जाती है सावन पे। उसके साथ ही उससे कहते हैं, मुझे माफ करना कि मैं अभी तक तुम्हारी साइड नहीं आ पाई और ना ही मैं तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता कर पाई। दूसरी तरफ हम बिंगी को देखते हैं जो कि यूनर की बातों को सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही उससे कहता है, मैंने तुम्हें अभी तक अपनी पावर नहीं दिखलाया, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे क्लाइंट के साथ तुम्हें भी मिटा सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा हो कि तुम सावन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और जहाँ तक रही वो फुल पॉइजन बॉडी की बात, तो मैं उसे लेके ही जाऊंगा, इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। ये कहने के साथ ही बिंगी सभी लोगों की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही वो सभी से ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और इस लड़की पे हमला कर दो। अब बिंगी की ऑर्डर को सुनने के बाद सभी लोग हेजिटेट करने लग गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये सभी फिगर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अब जबकि उनके हेड ने ऑर्डर दे ही दिया, तो अब वो भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से वो सभी अपने दांत को पीसते हुए उन सभी पे अटैक कर देते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो सभी बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे। अब उन सभी को अपनी तरफ आता देख यूनर के साथ जो फिगर्स आए थे वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, बल्कि उन सभी से फाइट करने लगते हैं। तभी एक एल्डरी फिगर कहता है, हमारी मिस को ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करो और वापस मिस के पास आओ। वर्ड को सुनने के साथ ही सभी फिगर्स इसके लिए तैयार हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर दिया और उन सभी पे अटैक करने लगते हैं, और वो भी जानलेवा। अब जैसे ही इन सभी की ये शब्द वो सभी सुनते हैं तो वो सभी स्टार्टल हो गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये सभी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और कुछ ही समय के अंदर उन सभी की फाइट शुरू हो जाती है। तभी बिंगी फिर से एक बार कहता है कि जाओ और सावन को खत्म कर दो। ये सुनने के साथ ही चेन है तो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, सावन की तरफ। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कोई आ चुका है। जब वो सभी अपने सर को ऊपर करते हैं तो वहाँ पर एक एल्डरी फिगर आ चुका था। ये देखते हैं आइस रिवर वैली और हॉल ऑफ सोल के कई सारे फिगर्स उस ओल्ड मैन के आसपास आ जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी एक साथ ही उस पर अटैक भी कर देते हैं। जब ये सभी एल्डरी फिगर यहाँ पर जमा होते हैं, तब हम दूसरी तरफ सावन और यूनर को देखते हैं, जहाँ पर कई सारे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट आ चुके थे। तभी टेंडा अपने साबिती से कहता है, जाओ और इन सभी को खत्म कर दो, किसी भी तरह से ये लड़का यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, इस लड़की की वजह से आज हमें काफी लॉस हुआ है। और जहाँ तक रेटियांजी और लिटफेरी डॉक्टर के पास कोई हिम्मत भी नहीं करता आने की, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये दोनों कितने पावरफुल हैं। इसके साथ ही लिटफेरी डॉक्टर और टियांजी इस बात को समझते थे कि ये जो लड़की अभी मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पर अपेयर हुई है, जरूर कोई मिस्टीरियस है, तभी तो ये कितने सारे एल्डर फिगर के साथ यहाँ पर अपेयर हुई है, जरूर इसके पास कोई खास पावर होगी, इसलिए वो उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करते। इसके साथ ही उन दोनों ने डिसाइड कर रखा था, अगर सिचुएशन उनके हाथ से बिगड़ती है तो वो दोनों भी इंटरफेयर जरूर करेंगे। सीन शिफ्ट करके फिर से हम सावन को देखते हैं, जो कि काफी हेजिटेट कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, अगर
प्रोटेक्टेड टंडे अकेले आता तो मैं जरूर इसे संभाल लेता, लेकिन ये यहाँ पर कई सारे साथी के साथ आया है, इसलिए मैं अकेले ये सभी को सामना नहीं कर सकता। इसके साथ ही उसे ये भी नहीं पता था आखिर यूनर की स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँची है। जब वो इसके बारे में सोच रहा था कि आखिर वो प्रोटेक्टेड टंडे और बाकी सब इससे कैसे निपटेगा, तभी एक आवाज आती है जो कि सावन से कहती है आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ तो मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। ये कहने के साथ ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया था और अगले पल उसके हाथों में आ चुका था एक येलो कलर की फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम थी। जैसे वो गोल्डन तरीके की हेवनली फ्लेम यूनर के हाथों में अपेयर हुई थी, उस समय सावन की बॉडी की हेवनली फ्लेम भी रिएक्ट करने लगती है। इसके साथ ही वो ऐसे महसूस करता है कि उसका फ्लेम काफी डर रहा है। इस चीज को महसूस करके सावन के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता आखिर मेरी हेवनली फ्लेम कैसे डर रही है। ये कहने के साथ ही वो ध्यान से उस मिस्टीरियस फ्लेम को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यूनर ने इस फ्लेम को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन फिर भी स्पेस में दरार आने लगती है। इसके साथ ही सावन अपने मन में कहता है ऐसा तो दो ही फ्लेम है, एक तो सेवंथ रैंक की फ्लेम, एक फोर्थ रैंक की फ्लेम। आखिर यूनर के पास जो फ्लेम है आखिर वो किस रैंक की फ्लेम है, क्योंकि सावन के पास जो ग्लेस फ्लेम था उसकी रैंकिंग 10th नीचे था, लेकिन फिर भी इसे डराना काफी मुश्किल है। इसके साथ अगर टॉप की हेवनली फ्लेम ही इसे डरा सकती है। ये सब सोचते हुए सावन काफी सरप्राइज हो चुका था, उसने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनर के पास एक हेवनली फ्लेम होगी और वो भी इतनी पावरफुल जो कि उसकी ग्लेस फ्लेम को भी डरा सके। जब सावन इसके बारे में सोच रहा था और गेस कर रहा था आखिर ये हेवनली फ्लेम किस रैंक की है, तब उस समय हम जूनर को देखते हैं जो की आइस रिवर वैली के एल्डर्स और हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को देख रही थी। जूनर के चेहरे पे स्माइल को देखकर इसके साथ ही वो जो हेवनली फ्लेम अपीयर हुई थी उसकी पावर को सेंस करने के साथ ही उन सभी के रोंगटे खड़े हुए थे, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि अब वो सभी पीछे नहीं हट सकते, उन्हें किसी भी तरह से रिएक्ट तो करना ही होगा। इसलिए तभी टेंडे कहता है कि जाओ और इन सभी पे अटैक कर दो। टेंडे का ऑर्डर सुनने के साथ ही वो सभी यूनर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद भी यूनर की स्माइल गई नहीं थी बल्कि उसकी स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। इसके साथ ही वो अपने हैंड को आगे की तरफ पुश करती है, इस कारण से उन सभी के आसपास एक बैरियर क्रिएट हो गया था जो कि येलो कलर की थी। दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल और आइस रिवर वैली के एल्डर्स ने इन सभी ने अपनी पावर को मर्ज करने के साथ एक पावरफुल अटैक उन सभी पे कर दिया था, लेकिन जैसे वो बैरियर ओपन हुआ था तो उस समय उसके अटैक उससे टकरा जाती है। जैसे इन दोनों में कोलिजन हो गई थी तो वहीं पर स्पेस दरार ओपन होने लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम उस येलो बैरियर को देखते हैं जो कि टूटने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे बाकी सभी ये देखते थे वो सभी हैरान हो गए थे। इसके साथ वो काफी हैरानी से यूनिट की तरफ देख रहे थे क्योंकि हॉल ऑफ सोल और आइस रिवर वैली के कई सारे एल्डर्स ने मिलकर इस पिलर्स को क्रिएट किया था, लेकिन यूनिट ने उनके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया। इससे पहले वो दूसरे अटैक की तैयारी करते उससे पहले हम यूनिट को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो चुका था और इसके अगले पल यूनिट की आंखों में गोल्डन कलर की फ्रेम चमकती है। इसके साथ ही वो कहते हैं गो। यूनिट ने जैसे इन वर्ड को कहा उस समय हम येलो कलर की बैरियर को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके थे अटैक के फॉर्म में और अगले पल वो शूट हो जाती है हॉल ऑफ सोल और आइस रिवर वैली के एल्डर्स की तरफ। जब उन्होंने देखा कि यूनिट अब अटैक कर रही है तो उन सभी ने अपने सामने एक पिलर खड़ा कर दिया था यानी कि बैरियर, ताकि यूनिट के अटैक से उन्हें कुछ भी ना हो। उन्हें ऐसा लग भी रहा था क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट ने मिलकर इस पिलर को खड़ा किया था यानी कि बैरियर को, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें कुछ अनइजी फील होता है। जब वो नीचे देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि ये अटैक तो उन्हें लग चुका। ये देखने के बाद तो उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसके साथ ही वो बस इतने कह पाते हैं आखिर ये किस तरीके की हेवनली फ्लेम है। उनके इतना कहते उन सभी की बॉडी नीचे गिरने लगती है। इसके साथ ही कुछ लोग मारे जाते हैं, इसके साथ ही कुछ लोग काफी घायल हो जाते हैं। अफकोर्स अब ऐसी कंडीशन होने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि किसी पे अटैक कर सके, भी लड़ सके। अब उन सभी की कंडीशन को खराब करने के बाद यूनिट की नजर जाती है सावन पे जो की काफी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। इधर सावन ने भी महसूस किया कि यूनिट उसकी तरफ देख रही है, इसलिए वो एक गहरी सांस लेने के साथ ही कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है तुम्हारी स्पीड तो मुझसे भी कई गुना आगे है। इनवर्ट को सुनने के साथ ही यूनिट के सिर पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं ये तो मेरे सिर्फ एंसेस्टर की ब्लड लाइन की वजह से हुआ है, जबकि आपकी बात की जाए तो आपने खुद मेहनत किया है उसके बाद ही आप यहाँ पर पहुँच पाए हो। यूनिट के इनवर्ट को साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।